Hi kids, welcome back to your SST class. I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new lesson of your book, that is Jelly Bean Journeys in Social Studies for Class 3 by Brainroot Publication. Children, so far we have completed around 12 chapters of your book, and today we shall begin with lesson number 13, that is different kinds of occupation. हमारे आसपास हम अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखते हैं, राइट? जब आप घर से निकलते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग शॉप पे शॉपकीपर की तरह सामान बेच रहे हैं, कुछ फ्रूट सेलर हैं, कुछ वेजिटेबल वेंडर्स हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं यानी फार्मर्स हैं, कुछ लोग ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं, आपके पापा या मम्मा बाहर काम कर रहे होंगे, सम आर टीचर्स, सम आर डॉक्टर्स, सम आर इंजीनियर्स. सो अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं. आज हम इंडिया के डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोग कौन कौन से काम करते हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे. लेट्स बिगिन. वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस लाइक फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग, फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, सम अदर ऑक्यूपेशंस एंड फॉरेस्ट्री. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. Can you identify the person in each picture? There are certain pictures given. The people are doing some work and we have to identify. This is a picture of a nurse, right? Then this is a picture of a gardener. This is a picture of a tailor. This person is throwing water with a pipe, so it's a firefighter. This is a barber and this is a chef. तो इस तरह से, as you can see in the picture, these people are doing different kind of work. These work which they are doing are known as occupations. So similarly, different people do different kinds of occupation. So let's begin the chapter. Humans have three basic need: food, clothing and shelter. हमें जो हम human beings हैं यानी मनुष्य की तीन सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरतें हैं: फूड यानी खाना, शेल्टर यानी सर छुपाने के लिए जगह यानी घर, एंड क्लोथिंग यानी कपड़ा. टू फुलफिल दीज बेसिक नीड्स वी नीड मनी. इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए, राइट? टू अर्न मनी पीपल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. और पैसा कमाने के लिए लोग तरह तरह के काम करते हैं. जो काम वो करते हैं वो उनका ऑक्यूपेशन है. A type of work that people do to earn money and make living is known as occupation. यानी ऐसा कोई भी काम जिसको वो करते हैं और करने से उन्हें पैसा मिलता है, जिससे कि वो अपना जीवन जीते हैं या ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, उसको हम occupation बोलते हैं. Let us read about some common occupations. कुछ common occupations के बारे में पढ़ेंगे. Types of occupation. Different people do different kind of work, है ना? अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं according to their ability and needs. यानी जिसको जिसनी ज़रूरत है वो उस हिसाब से काम करते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ लोग कम काम करते हैं. कुछ लोगों में बहुत स्ट्रेंथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम कर सकते हैं. कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं तो वो स्किल्ड काम करते हैं. सम पीपल्स आर स्किल्ड इन फार्मिंग, सो दे टेक अप फार्मिंग. जो जिन्हें खेती बाड़ी की अच्छी नॉलेज है, आता है, तो वो फार्मिंग का काम करते हैं. सम अदर मे बी डूइंग गुड एट वुड वर्क. कुछ लोगों को शायद लकड़ी से काम करना ज़्यादा पसंद है या अच्छे से आता है, तो वो कारपेंट्री करते हैं. फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग आर सम कॉमन ऑक्यूपेशंस इन इंडिया. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स. हमारी इंडियन कंट्री इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. ये पहले भी हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इंडिया में बहुत से लोग जो हैं आज भी गांव में रहते हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं हमारी कंट्री में फार्मिंग के ऑक्यूपेशन पे हैं. दे डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिविंग. यानी अपना गुजारा या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पूरी तरह से अपनी फसल पे निर्भर करते हैं. फसल उगाते हैं, फिर उसे बेचते हैं, और फिर बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ऑलराइट. फिशिंग. फिशिंग इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव इन द सी कोस्ट एंड रिवर. फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड ऑयल. जो लोग समुंदर के किनारे या नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के लिए मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है. यानी इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल स्टेट्स है, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो कि समुद्र के आसपास है,
वहाँ फ़िशिंग एक मेजर ऑक्यूपेशन है। यहाँ के लोग फ़िश खाते भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के लोगों में फ़िशिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व रहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू फार्मिंग इन द विलेजेस ऑफ अवर कंट्री। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दे ऑल्सो ग्रो कॉटन, शुगर केन, टी एंड ग्राउंड नट एट्सेट्रा। तो हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है खेती करते, तो फार्मिंग जो है सबसे ऊपर आएगा। फार्मिंग के बाद आएगा फिशिंग। ठीक है, फार्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरह के फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वीट, राइस, पल्सेस, जूट, कॉटन, शुगर केन, अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ पल्सेस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं इंडिया में। फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशन, अब फार्मिंग एक अकेला ऑक्यूपेशन नहीं है, फार्मिंग से ही जुड़ी हुई कई सारी ऑक्यूपेशंस आ जाती हैं। कैटल रियरिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन विच डिपेंड्स ऑन फार्मिंग, यानी कैटल्स को हम जो रियर करते हैं, गाय भैंसों या पशुओं का पालन पोषण करना, वो फार्मिंग पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। कैटल आर फेड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स। कैटल लाइक काउस, बफेलोज एंड गोट गिव्स अस मिल्क। ये जो कैटल है ये वो खेतों में से उनको चारा मिलता है उसे खाते हैं और हमें बदले में दूध, घी, मक्खन ये सब इनसे मिलता है। दे आर रियर्ड ऑन बिग फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स में इनको रखा जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। इन्हें डेयरी फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस काम को डेयरी फार्मिंग भी बोलते हैं। बुलक्स आर यूज टू प्लो फील्ड्स। बुलक्स का यूज़ क्यों करते हैं? बैलों के सहारे हम खेतों को जोतते हैं, यानी खेतों को अच्छे से जो है वर्क करते हैं खेतों में। मैनी फार्मर्स हैव सेटअप पोल्ट्री फार्म्स, यानी कई फार्मर्स जो है मुर्गियाँ पालते हैं जिसको हम पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू गेट एग्स एंड मीट ऑफ हैन, डक्स एट्सेट्रा। शीप इज अनदर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स। पहाड़ों पर भेड़ जो है उनको भी बहुत ज़्यादा जो है संभाल के पाला जाता है, क्योंकि उनकी जो ऊन है, उसकी बॉडी में से निकल के ही हम ऊन जो है लेते हैं और फिर उस ऊन से हम गारमेंट्स बनाते हैं, शॉल, स्वेटर्स, ड्रेसेस बनाते हैं। शीप इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एनिमल विच इज़ मोस्टली रियर्ड इन ड्राई एंड हिली रीजन्स या हिली एरियाज। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें ऊन जो है वो शीप से ही मिलता है। There are many other industries that depend on farming. For example, cotton mills make cloth from cotton. Tea is sold after processing tea leaves. है ना, कॉटन जो है कॉटन प्लांट में से जब कॉटन निकलता है फिर उसके बाद हम उससे कपड़ा बनाते हैं, है ना। इसी तरह चाय जो हम बहुत लोग जो चाय पीते हैं, राइट, चाय जो है चाय के पत्तियाँ उगाई जाती हैं पहाड़ों पर, फिर उन पत्तियों को प्रोसेस किया जाता है तब जाकर चाय पत्ती बनती है। जूट, शुगर केन, चीनी और गुड़ बनाने के लिए गन्ना उगाया जाता है। ऐसे ही जूट एक तरह का जो प्लांट है वो बैग और रस्सी बनाने के लिए यूज़ होता है। कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंड नट, इनसे यूज़ करके, इनसे एक्सट्रैक्ट करके कुकिंग ऑयल्स भी बनते हैं। ओके, माइनिंग। अब जिस जगह पे खेती नहीं हो सकती, मिट्टी की कमी है, सिर्फ चट्टाने हैं, वहाँ क्या होता होगा? हमने पढ़ा था ना नॉर्दर्न प्लेन्स, देन प्लेटू रीजन, है ना, इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू में डिवाइडेड है, वो वाला एरिया तो काफ़ी ज़्यादा रॉकी है, वहाँ बहुत ज़्यादा सॉयल तो है नहीं, वहाँ कम एग्रीकल्चर होती है। तो क्या करें ऐसी जगह पे? ऐसी जगह पे जहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं वहाँ पे हम माइनिंग करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ हम माइनिंग करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। यानी अर्थ सरफेस के बीच में से, अंदर से, गहराई से जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम माइनिंग बोलते हैं। सम ऑफ द मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, गोल्ड एंड पेट्रोलियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स। ठीक है, इनमें से आयरन, कोल, देन पेट्रोल, गोल्ड, ये सब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स आर प्रोसेस टू गेट मेटल्स। मेटल्स आर देन यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक यूटेंसिल्स,
पाइप्स, मशीन्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, पहले हम मिनरल्स निकालते हैं, फिर मिनरल ओर में से मेटल्स निकालते हैं, मेटल से फर्दर हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. तो देख रहे हैं बच्चों आप, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, फिर दूसरी से तीसरी. तो एक चीज़ के प्रोडक्शन से कितने सारे लोगों को काम मिल रहा है ना. नेक्स्ट वी कम टू फॉरेस्ट्री. इंडिया में कई तरह के जंगल हैं और इसीलिए फॉरेस्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है. फॉरेस्ट एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है बच्चों. फॉरेस्ट में तरह तरह के पेड़ मिलते हैं और उन पेड़ों से हमें हमारे इस्तेमाल की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज़ थिकली कवर्ड बाई थिक फॉरेस्ट. हमारी कंट्री का एक बड़ा सा हिस्सा जो है घने जंगलों से घिरा हुआ है. पीपल लिविंग इन और नियर दीज फॉरेस्ट कलेक्ट गम, हनी, वुड, रबड़ एंड हर्ब्स फ्रॉम द ट्रीज इन द फॉरेस्ट. अलग अलग तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो लोग कलेक्ट करके लाते हैं. दे सेल दीज थिंग्स फॉर मनी इन द मार्केट. और इन चीज़ों को वो मार्केट में बेचते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके. दीज थिंग्स आर टर्नड इन टू फर्नीचर, पेपर, मैचस्टिक्स एंड मनी मोर आइटम्स. इन चीज़ों को फर्दर इस्तेमाल करके और भी नई नई चीज़ें जैसे फर्नीचर, पेपर, मैचस्टिक्स है ना, ये बनाई जाती हैं. द जॉब ऑफ कटिंग वुड इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड लंबरिंग. वुड को काटना यानी लकड़ियों को काटना, इसको हम लंबरिंग बोलते हैं. ओके, सी इस तरह से पेड़ की जो लकड़ियां हैं वो काट के ट्रक्स के थ्रू मार्केट्स में चली जाती हैं, फर्नीचर मार्केट्स में, टिम्बर मर्चेंट्स के पास, जो लोग फर्नीचर या कारपेंटर्स को ये लकड़ियाँ बेचते हैं और वो फर्दर इनसे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स बनाएंगे. इसके अलावा भी कुछ और ऑक्यूपेशंस हैं, सम अदर ऑक्यूपेशंस. इन टाउन्स एंड सिटीज मैनी पीपल वर्क इन ऑफिसेज, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. मैनी पीपल ऑल्सो वर्क इन बैंक, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, टेलरिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम अदर ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर एंगेज्ड. यानी लोग गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, टेलरिंग भी करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, बीमार पड़ने पे डॉक्टर्स के पास जाते हैं. तो डॉक्टर्स जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, ये सभी एक तरह के ऑक्यूपेशंस हैं. ये सभी जॉब्स हैं जो कि लोगों को हेल्प करता है ताकि वो अपनी लिविंग को कमा सकें. सी दिस इज़ द वे हाउ पीपल आर वर्किंग इन द फैक्ट्री. ओके, पोल्ट्री. व्हाट इज़ पोल्ट्री? फार्म्स वेयर हेंस, डक्स, गीज आर केप्ट एंड रियर्ड. जहाँ पे इनको एग्स या मीट के लिए रियर या पाला पोसा जाता है. मिनरल सब्सटेंसेस सच एज आयरन विच आर फाउंड नेचुरली इनसाइड द अर्थ. अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स में से जो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरली सब्सटेंसेज हमें मिलते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं. माइनिंग मीन्स डिगिंग अप द मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. यानी अर्थ को खोद के उसके अंदर से मिनरल्स निकालना, बहुत गहराई में खोदना पड़ता है मशीन्स के थ्रू, तब जाकर मिनरल्स निकलते हैं. ओके, वॉट ऑल वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, लेट्स लुक ओवर. अ वर्क डन बाई पीपल टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. फार्मिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस. फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग नियर द सी कोस्ट और रिवर्स. माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन एरियाज दैट आर रिच इन मिनरल्स. इन टाउन्स एंड सिटीज मोस्ट पीपल वर्क इन ऑफिसेज, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. ओके, सो हमने तरह तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स के बारे में पढ़ा. लोग किस तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाते हैं, हमने उसके बारे में भी पढ़ा है ना. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, हमें सबसे सही ऑप्शन जो है चूज करना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री इज फार्मिंग, माइनिंग, टीचिंग, नन ऑफ दीज. फार्मिंग, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसीलिए फार्मिंग जो है सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है इंडिया का या मेन ऑक्यूपेशन है. सेकेंड, डैश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड ऑयल. क्रैब, फिश, हॉर्स, नन ऑफ दीज. सो फिश से हमें जो है फूड भी मिलता है और ऑयल भी मिलता है. कोस्टल रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ओके, थर्ड, विच ऑफ दीज इज एन एनिमल प्रोडक्ट? गम, पेपर, रबर, वूल. वूल, वूल एनिमल प्रोडक्ट है क्योंकि ऊन जो है वो कहाँ से निकलता है? ऊन निकलता है आपके शीप की बॉडी में से. शीप की बॉडी में से हम बाल निकालते हैं, उसके बाद ही क्या निकलता है? ऊन निकलता है. ओके, फोर्थ, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ? अर्थ के अंदर से मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं? फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, टेलरिंग.
So mining is the correct answer. And next we have fifth one, that is metals are needed to make shoes, pipes, cheese or paper. Metals के द्वारा हम क्या बनाते हैं बच्चों? Metals के द्वारा हम पाइप बनाते हैं, ठीक है? Different kinds of pipes बनते हैं, utensils बनते हैं, okay? So I hope आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपने नोट कर लिया. Now let's move to the next question. Question number B says fill in the blanks, ठीक है? Question B क्या बोल रहा है? Question B बोल रहा है fill in the blanks. First one, work done by people to earn money. यानी लोग जो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम occupation बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Occupation. So write down occupation. All right? Next. Second, dash is the main occupation of people living near sea coasts or river. जो लोग सी कोस्ट या नदी किनारे रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है, राइट? क्योंकि फिशेस बहुत इजीली वाटर बॉडीज में अवेलेबल होता है, सो इसीलिए फिशिंग. नेक्स्ट, द जॉब ऑफ कटिंग वुड इन फॉरेस्ट इज कॉल्ड लम्बरिंग. लकड़ियों को काटना उसको हम लम्बरिंग बोलते हैं, राइट? डैश एंड डैश आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस. जो लोग गांव में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग. फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग यानी खेती करना और एनिमल्स को रियर करना, ठीक है? शुगर केन इज यूज टू मेक शुगर एंड जगेरी. शुगर का मतलब है चीनी और जगेरी का मतलब है गुड़, जैगरी. ओके, शुगर मीन्स चीनी जो हम खाते हैं और जैगरी का मतलब क्या है? जैगरी का मतलब है गुड़. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर सी. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बुलक्स आर यूज टू प्लॉ फील्ड. येस, दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है? बैल को हल के साथ जोड़ के हलों को जोता जाता है. Second, jute is used for making paper bags and ropes. Yes, jute is used for making bags and ropes. True, बिल्कुल सही है. Third, we get wool from fish. No, हम fish से wool नहीं लेते, यहाँ fish गलत है. We get wool from sheep. तो this is false. Okay. Next, fourth, minerals are processed to get metals. Minerals से हम metals process कर सकते हैं. Yes, it is true. बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फिफ्थ, वी नीड मनी टू फुलफिल अवर नीड्स. यस, हमें पैसों की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव नोटेड ऑल द आंसर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी. मैच द फॉलोइंग. जगेरी हमें शुगर केन से मिलता है ना, गन्ने से मिलता है गुड़. फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? फार्मिंग से हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं. आयरन से क्या बन सकता है? आयरन से बाईसाइकिल बन सकता है, राइट? लोहे से बाईसाइकिल बन सकता है. फिश कोस्टल एरियाज में मिलता है और कॉटन जो है उससे कपड़ा बनता है, राइट? सो दिस वॉज योर मैचिंग. आई होप यू हैव कम्प्लीटेड द मैचिंग एज वेल. Now we have question answers. So this is something to be done by your own. आप खुद करेंगे इसको, ठीक है? जैसे occupation क्या है? When people do any work to earn money to fulfill their needs, it is called occupation. Explain poultry farming and dairy farming. People in villages rears hens, ducks, etc. for getting eggs and meats. That is poultry farming. And when they rear cattle, that is called dairy farming. Through kettles we get milk. Next we have third. How are metals useful to us? Metals are useful to us in many ways because using metals we can make useful products like utensils, pipes, machinery, etc. Describe forest related occupations. Many people who live in forest, they are involved in lumbering.
And apart from that, they also take out foreign products like gum, resin, glue, and your flax. Okay, apart from flax, also honey. These are some important forest products which they extract from the forest and then sell to the different peoples in the market. How are forests useful to people who live near these area? Forest give a number of forest products which are useful to people who live in this area. They are completely dependent on these forest products because they take those products and then further sell these products to earn their living. Sixth one, what is mining? Name few metals that are mined. Mining is extracting minerals from the deep earth surface. Certain metals or certain minerals which are extracted are iron, aluminium, alright, phosphorus. These are certain important minerals. Alright children, so with this, I hope that you have understood all the exercises. Ab aap question answers khud kar sakte hain. So with this, we come to an end to today's session. आपको तरह तरह के ऑक्यूपेशंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ. और अब आप क्वेश्चन आंसर्स खुद कर सकते हैं. सो आई विल मीट यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू लेसन ऑफ योर बुक दैट इज़ जेली बीन जर्नीज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड गुड डे.